तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपना टेक ऑफ चिलियान। तो बिल्कुल बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। जो हमारे इंडिया में सबसे फेमस कंपनी यानी जियो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में सिर्फ दो ही तो फेमस कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। तो फ्रेंड्स अब कोई पूछता भी नहीं है, मतलब कि ज़्यादातर अधिकतर लोगों के पास फ्रेंड्स जियो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 38 करोड़ लोगों के पास जियो का सिम है, वो जियो की सुविधाएं उपयोग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है जियो फ्रेंड्स, उसने अपने 9.99% शेयर बेच दिए हैं फेसबुक को, यानी मार्क जुकरबर्ग को। और फ्रेंड्स मुकेश अंबानी जी ने अपने जो जियो के शेयर्स हैं फ्रेंड्स, यानी कि 9.99% शेयर जो फ्रेंड्स उन्होंने फेसबुक को बेचे हैं फ्रेंड्स, वो उन्होंने 43,700 करोड़ डॉलर्स में बेचे, यानी कि 6 बिलियन डॉलर्स में, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और फ्रेंड्स जियो का ये भी कहना है कि जो हमने ये जो 9.99% जो अपने शेयर बेचे हैं, ये पैसे के लिए बेचे हैं ताकि उनके ऊपर से कर्जा उतर जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जियो के ऊपर काफ़ी कर्जा। और फ्रेंड्स जियो ने कहा है कि हम अगले साल यानी 2021 तक अपने ऊपर से सारा कर्जा उतार देंगे। और फ्रेंड्स जियो ने ये भी कहा, जब से हमने जियो की स्टार्टिंग करी है तब से हमारा एक ही ड्रीम रहा, यानी डिजिटल इंडिया। फ्रेंड्स उन्होंने डिजिटल इंडिया ही के मद्देनज़र रखते हुए ये 9.99% वाले शेयर की डील करी है। और फ्रेंड्स ये जो शेयर जो फेसबुक ने खरीदे हैं फ्रेंड्स, इन शेयर को खरीदने के बाद फेसबुक सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है जियो का। और फ्रेंड्स मुकेश अंबानी जी का ये भी कहना है कि जब से हमने ये जियो की नींव रखी, यानी जब से जियो को हमने स्टार्ट करा है, तब से हमारा एक ही टारगेट रहा है, वो है डिजिटल इंडिया। और फ्रेंड्स मुकेश अंबानी जी ने ये भी कहा है कि हमने डिजिटल इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए ये 9.99% शेयर फेसबुक को बेचे हैं, यानी मार्क जुकरबर्ग को बेचे हैं 9.99% शेयर, वो भी 43,700 करोड़ रुपए में, यानी 6 बिलियन डॉलर्स में उन्होंने बेचे हैं। और फ्रेंड्स ये डिजिटल इंडिया के मद्देनज़र रखते हुए शेयर्स बेचेगा। फ्रेंड्स जियो ने ये भी कहा था कि हम अपने ऊपर से कर्ज उतारना चाहते हैं अगले साल तक, वो क्या पता किसी और को मतलब कि अपने शेयर्स बेच दें और पूरा कर्ज अगले साल तक उतार दें। फ्रेंड्स जियो ने अभी तक तो यही कहा है कि हम अपना जितना भी कर्ज है अगले साल तक उतार देंगे। और फ्रेंड्स ये जो जियो ने अपने 9.99% शेयर जो फ्रेंड्स फेसबुक को बेचे हैं फ्रेंड्स, ये पैसे के लिए तो बेचे हैं, लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने बिजनेस के लिए भी बेचे हैं। फ्रेंड्स बिजनेस क्या है तो चलिए आपको बताते हैं। फ्रेंड्स जियो खोलना चाहता है एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप और फ्रेंड्स जिसका नाम है जियो मार्ट। और फ्रेंड्स जो लोकल किराना स्टोर वाले हैं फ्रेंड्स, वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे फ्रेंड्स व्हाट्सअप के जरिए जियो मार्ट में, और फ्रेंड्स वहीं से लोग खरीदेंगे प्रोडक्ट फ्रेंड्स। इसीलिए क्या पता जियो ने ये पार्टनरशिप करी हो फ्रेंड्स फेसबुक के साथ, क्या पता इसीलिए उन्होंने शेयर बेचे हों अपने 9.99% शेयर। और फ्रेंड्स खबर तो ये भी आ रही है कि अगले साल तक क्या पता जियो अपने शेयर गूगल को भी बेच सकता है फ्रेंड्स, क्या पता गूगल से भी बात चल रही हो और क्या पता अगले साल तक बेच दे। फ्रेंड्स जब से जियो ने अपने 9.99% शेयर बेचे हैं फ्रेंड्स फेसबुक को फ्रेंड्स, तब से इंडिया के यूज़र्स को डर सता रहा है कहीं फेसबुक हमारी जो प्राइवेसी फ्रेंड्स उसको ना तोड़ दे, यानी हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट रहेगा भी कि नहीं रहेगा। जैसे कि फ्रेंड्स अभी फेसबुक पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि वो लोगों का डाटा बेचता है और फ्रेंड्स डार्क वेब में लोगों का वो डाटा बेचता है। फ्रेंड्स इंडिया में भी काफ़ी सारे लोगों को डर सताने लगा है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, फेसबुक हमारा डाटा प्राइवेट रखेगा, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर और डिटेल्स जो जियो के पास है वो प्राइवेट रखेगा कि नहीं रखेगा? फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट बताइए। तो यही था यार आज इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर दे लाइक और कर दे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए नए अपडेट्स आपके फोन में जल्द से जल्द आ सके। तो यही था आज की वीडियो में, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।